हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर मैट्रिक्स। गजाज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेके आए हैं हीरो एक्सट्रीम 125 का ओनर्स रिव्यू, जहां पर हम इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स और हमारे पास इसके ओनर भी जुड़ चुके हैं मिस्टर जलाल पटेल जी, जहां पर हम इनसे क्वेश्चन करेंगे कि व्हाई इज़ कंसीडर दैट एक्सट्रीम 125, बिकॉज आजकल जो 125 सेगमेंट है ना, इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा क्राउड हो चुका है। बहुत सारी बाइक्स आती हैं, पल्सर 125 और रेडर 125 जो इस सेगमेंट में लीड कर रही थी, और होंडा की SP 125। तो एक एक करके हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने इस बाइक को क्यों कंसीडर किया। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर जयलाल जी से कि प्लीज़ आप अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दीजिए, जिससे जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, वो को रिलेट कर पाए आपको। हाय गाइस, मेरा नाम जयलाल पटेल है, मैं इंदौर में ही रहता हूँ, और ये एक्सट्रीम 125 परचेज करने के मेरे पास कई सारे रीज़न्स है। जैसे इस प्राइस सेगमेंट की मैं अगर बात करूं, तो इस प्राइस सेगमेंट में मुझे इससे बेहतरीन फीचर और किसी गाड़ी में नहीं मिले थे, है ना जी। इसका जो फॉर्क है ना, बाकी इसका जो LED का मतलब हेडलाइट का थ्रो है, ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जी। ओके, तो आप थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे क्या कि आपको ये बाइक राइड करते हुए कितना टाइम हो गया है? इस बाइक को राइड करते हुए मुझे अप्रॉक्स 2 मंथ हो गए हैं। मैंने मई में ली थी इसको। अच्छा, और आपने कितने किलोमीटर तक इसको चलाया है अभी तक? मैंने इसको 1700 किलोमीटर तक इसको ऐसा राइड करा है। अच्छा, 1700 किलोमीटर राइड किया, मतलब आपकी अभी इसकी फर्स्ट सर्विस ही हुई होगी? फर्स्ट सर्विस ही हुई है। टोटल आपको इस पे साथ 3 अनपेड सर्विसेज मिलती हैं? 4 अनपेड सर्विसेज मिली है मुझे इसके साथ। ओके, तो 1700 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद आपको कैसा लगता है गाड़ी परफॉर्मेंस वाइज? हाँ, गाड़ी परफॉर्मेंस वाइज मुझे सही लगती है। तो कुछ कुछ इसमें डिसएडवांटेज मुझे अभी तक समझ में आए इतना चलाने के बाद। कि अच्छा। पहला है तो सबसे पहले इसमें जो पैनल गैप है ना, वो जब मैंने ली थी ना, तो पैनल गैप मुझे इतना गैप नहीं समझ में आता था, और अभी चलाने के बाद मुझे थोड़ा बहुत ऐसा ध्यान से देखने पे मुझे पैनल गैप समझ में आता है। और कई सारी ऐसे लोगों से मैंने सुना है कि इसकी गियर अटकने की जो है फर्स्ट या सेकंड में, मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। अच्छा। कि गियर फंस रहा है फर्स्ट या सेकंड। पैनल गैप मतलब कहीं कहीं पे आपको इनकंसिस्टेंस पैनल गैप्स दिखे हैं, जैसे ये इसकी बात कर रहे हैं क्या? मैं बात करूँ ऐसा फ्यूल टैंक की, तो इसी में मुझे दिखे, बाकी और कहीं ऐसा पैनल गैप दिखा नहीं है मुझे। ओके, तो आपने अभी इसमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ट्रिप कोई करी है क्या? लॉन्गेस्ट ट्रिप, हाँ, एक बार मैं अपना इंदौर से वहाँ ओमकारेश्वर गया था, तो अच्छा। वही मैंने राइड करी है लगभग 150-200 किलोमीटर के आसपास में। अच्छा, तो ऐसा बहुत कंफर्टेबली मैंने राइड करी है, ऐसा कुछ मुझे समझ में आया नहीं कि मेरा मतलब शरीर थक रहा है या फिर ऐसा। कितने दो लोगों के साथ में करी है राइड? हाँ, दो लोगों के साथ में ही करी है मैंने। तो बाकी वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे शायद भी बारिश का मौसम चल रहा है इंदौर के अंदर, तो ब्रेकिंग वगैरह कैसी है इसकी? ब्रेकिंग वगैरह ठीक है, पीछे तो इसमें डिस्क मिल जाता है, आगे ABS विथ सिंगल चैनल ABS मिलता है विद डिस्क। हाँ, ओके। और नाइट में आपने इसे राइड किया है क्या? हाँ, नाइट में राइड करा है मैंने, पर लो बीम में ही करा है, ऐसा हाई बीम में मैंने कभी राइड करा नहीं है इन जनरली, लो बीम में ही मैंने करा है। तो हेडलाइट का थ्रो कैसा है? मतलब हेडलाइट का थ्रो ठीक है, अच्छा है, इन कंपेरिजन टू अदर बाइक्स अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा इसका। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? कोई कंप्लेंट नहीं है? नहीं। ओके, बाकी थ्रॉटल रिस्पांस वगैरह? हाँ, अच्छा है, थ्रॉटल का रिस्पांस अच्छा है। मुझे थोड़ा इसमें इनिशियल पे पिकअप में थोड़ा समस्या आती है, क्योंकि इस सेगमेंट में ये जो बाइक है ना, हाँ, ऐसा सबसे इसका वेट सारी बाइकों से ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है। हाँ, तो वेट ज़्यादा है, तो इसके लिए मुझे इनिशियल में थोड़ा पिकअप में समझ में आता है। बाकी SP 125 भी मैंने राइड करी, रेडर भी मैंने राइड करी, तो मुझे समझ आया कि उनका पिकअप इनिशियल में ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम है। ओके, इनिशियल पिकअप उसका आपको इसका कम लगता है? इसका कम लगा अदर कंपेरिजन से, बाकी अगर आप एक बार फ्लो में आ जाती है तो फिर इतना कोई इशू नहीं है। ओके, बाकी इसके फीचर्स आपको कैसे लगे? फीचर मुझे अच्छे लगे। और ऐसा कोई फीचर है क्या आपको लेने के बाद, जैसे पता चला हो कि अच्छा, अरे वाह, इसमें ये चीज़ भी है? नहीं, इसके फीचर्स जब मैं लेने गया था इसको, तो मैंने पहले इसकी रिव्यूज़ वगैरह देखे थे, तो मुझे उसके बाद में ऐसा कोई फीचर पता नहीं चला है, मुझे सारे फीचर्स पहले से ही पता थे। अब इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह आती है, तो उसको कभी यूज़ किया क्या आपने? कभी मैंने यूज़ ऐसा नहीं करा है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हो गया इसमें, इसका जो TFT का जो भी डिस्प्ले है इसका मैंने ऐसा कभी बोलते कि इसको एडवांटेज नहीं लिया आपने ना? एडवांटेज ऐसा कभी लिया नहीं मैंने। ठीक है, और बाकी राइडिंग पोस्चर वगैरह कैसा है? थकावट वगैरह तो फील नहीं होती? नहीं। अच्छा, मैंने सुना था कि अभी आपने रिसेंट में उज्जैन की ट्रिप करी है रात में ही, शायद 3 बजे उठ के गए थे आप, तो वहाँ पे इसका कैसा परफॉर्मेंस था? परफॉर्मेंस अच्छा था, उस टाइम मैं हाई बीम में ही गया था क्योंकि रात का टाइम था। तो अभी आपने कहा था कि मैंने हाई बीम कभी यूज़ ही नहीं करी है। हाई बीम मैंने ऐसा कभी लोकल में यूज़ नहीं करी है, बस वही एक टाइम था जब मैं उज्जैन गया था। अच्छा, तभी। ठीक है, वो आपने मेरे को पहले ही बताया था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने हाईवे था, हाईवे में ऐसा मैं लो बीम में अगर करके चलता ना, तो मुझे बहुत पास का दिख रहा था, तो हाई बीम मुझे करने की ऐसा ज़रूरत पड़ी थी। अच्छा,
चले ठीक है, बाकी वो उज्जैन वाली बात मैं बाद में करता हूँ। अब गाड़ी के बारे में बात करता हूँ तो माइलेज आपको कितने की अभी ये निकाल के दे रही है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस तो ऑलमोस्ट हो चुकी है तो आप इसका माइलेज का जो है जजमेंट आप दे सकते हैं एक प्रकार से कि कितना सर्विस के पहले मुझे इसका एवरेज ऐसा 40 to 45 ही समझ में आया था, 40 to 45 ही, क्योंकि मैं इंदौर के बाहर ऐसा कभी गया नहीं बहुत लॉन्ग राइड पे, तो मुझे इंदौर के अंदर ऐसा 40 to 45 ही समझ में आया एंड आफ्टर फर्स्ट सर्विस मैंने इसको ऐसा देखा है कि 55 या 60 तक जाती है। बाकी इसका मैंने अगर मैं इसको ऐसा लाइव करके देखूँ इसका एवरेज मोड तो वो तो मुझे 110 तक बताया उसने, पर उतना है नहीं 110। हाँ नहीं वो तो पॉसिबल ही नहीं है, 50 to 60 ठीक है, मोस्टली आपकी जो रनिंग है वो सिटी के अंदर ही रहती है तो आपको 60 भी एवरेज मिल पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है एक सेगमेंट की बाइक के हिसाब से और ट्रैफिक को देख के, है ना। तो ओवरऑल आप इस बाइक के साथ कैसा, मतलब आप सेटिस्फाइड हैं, आप दूसरों को रेकमेंड करेंगे क्या ये बाइक को? मैं बिल्कुल रेकमेंड करूंगा इस बाइक को लेने के लिए दूसरों को। अच्छा, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूं, ऐसा मुझे अभी तक इसमें कोई ऐसा कमी मुझे दिखी नहीं है। अच्छा हाँ, मेरे एक दो क्वेश्चन और हैं अभी। जब आप ये गाड़ी कंसीडर कर रहे थे और शोरूम में लेने जा रहे थे तो वहाँ के लोगों का बिहेवियर क्या था, मतलब आपको कैसा ट्रीट कर रहे थे वो? मैं लिटरली बताऊँ ना तो ये जो मैंने जिधर से बाइक ली थी तो फर्स्ट टाइम जब मैं बाइक ऐसा देखने गया था फॉर कोटेशन तो उधर का बिहेवियर अच्छा था, पर जब मैं लेने गया ना तो मुझे खास कर ये जो इंदौर में अपने सपना संगीता है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ है ना, मतलब वहाँ पे आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला? नहीं मिला ऐसा कुछ रिस्पॉन्स। आप गाड़ी बुक कर चुके थे उसके बाद आप डिलीवरी के लिए गए थे तब उनका ये बिहेवियर ऐसा था ना? उनका बिहेवियर ऐसा था, बाकी डिलीवरी के पहले तक अच्छा था, बार बार मेरे से फॉलोअप भी ले रहे थे आप कब ले रहे हो कब ले रहे हो। मतलब एक बार आपने गाड़ी ले ली बुक कर ली उसके बाद जय श्री राम, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये कि आप सर्विस भी आप वहीं से कराते हैं सपना संगीता से ही? जिधर मैंने ली थी एक्चुअली सपना संगीता में ना, इसके सपना संगीता के दो शोरूम है, एक अपना इधर भोलाराम में है और दूसरा अपना है ये मधुमिलन स्क्वायर के पास में। अच्छा, तो उधर से मैं करवाता हूँ सर्विस, उधर की मुझे पसंद है, एक बार ही मैंने सर्विस कराई है, पर उधर ऐसा है कि जो कस्टमर के हिसाब से ना मुझे तो सही लगा। हाँ, वो आपका प्रॉपर फीडबैक लेते होंगे, पूछते होंगे गाड़ियों में क्या प्रॉब्लम्स है इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। मतलब आप कुल मिला के हीरो की सर्विस से सेटिस्फाइड हैं? कोई अगर इंडिविजुअल डीलरशिप से आप नाराज़ हैं अगर जहाँ से आपने गाड़ी कंसीडर करी थी? और वैसे ये पूछना जो नहीं चाहिए, आप करिए कभी नहीं कभी ट्रिपलिंग वगैरह, पर अगर आप इसे ट्रिपलिंग करते हैं तो क्या पॉसिबल है इस बाइक के अंदर? अभी मैंने एक मेरे पास ऐसे इमरजेंसी थी तो मुझे ऐसा ट्रिपलिंग करना पड़ा था। अच्छा, कर ही लिया आपने? तो ट्रिपलिंग के हिसाब से ना मुझे ये गाड़ी मतलब ऐसा समझ में आई नहीं, क्योंकि सामने तो जो चलाता है ठीक है और जो बीच में बैठता है उसको तो बहुत समस्या होने वाली है, क्योंकि इसका जो पीछे वाली सीट का कम्फर्ट है वो सीट जो है ना बहुत ऐसा, ये सीट इसकी मुझे भी दिख रही है क्या है स्टेप में है, मतलब स्टेप क्या वो स्टेज है एक प्रकार से आपका, ये पूरा नीचे है और एक लगभग ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का जो डिफरेंस होता है ना वैसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पीछे वाली सीट जो है ना इसकी थोड़ी छोटी है एज कम्पेयर टू अदर बाइक। हाँ हाँ, तो इसमें दो लोग ही कम्फर्टली, और जो इसकी ग्रैब रेल है ना वो भी फुल नहीं है ना पीछे तक, मतलब आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट नहीं मिलने वाला है उसमें अगर कोई थर्ड पर्सन बैठता है वहाँ पे। अच्छा, आप ये बताओ कि फीमेल्स वगैरह के साथ में भी आपने इसमें ट्रैवल किया है क्या? नहीं, फीमेल्स के साथ अभी ऐसा ट्रैवल नहीं, मतलब मैं फीमेल्स डेडिकेटेड उनकी बात कर रहा हूँ जो वन साइडेड बैठती हैं, नहीं उनके साथ अभी, या साड़ी वगैरह उस टाइप का ऐसा भी कुछ नहीं करा है, ऐसा भी नहीं किया है। तो क्या लगता है ठीक है इसके अंदर समस्या होगी क्योंकि इसकी सीट हाइट जो है ना वो थोड़ी ज्यादा है तो उनको थोड़ा इशू आने वाला है बैठते टाइम पे, क्यों एक्चुअली क्योंकि क्या है ना इसकी जो सीटिंग हाइट है ना रियर पैसेंजर्स के लिए वो थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पे, उनको बैठने में थोड़ा समस्या होने वाली है, बाकी अभी तक ऐसा देखा नहीं मैंने, मतलब बैठाया नहीं किसी अभी ऐसा लेडीज को। हाँ, इसमें ना एक साड़ी गार्ड का ऑप्शन आता है वो अभी तक लगवाया नहीं है मैंने, पार्ट ऑफ एसेसरीज वो लगवाया नहीं अभी मैंने, वो लगवाऊंगा करके फिर उसके बाद देखूंगा कि उसको लेडीज को बैठने में कोई इशू तो नहीं हो रहा है, कम्फर्टली बैठ पा रही है आराम से कि नहीं। बिल्कुल, आप शादी के बाद लगवा सकते हैं साड़ी गार्ड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो गाइज ये था हीरो एक्सट्रीम 125 का ओनर्स रिव्यू, जहाँ पर जयलाल जी ने हमारे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर किए इस गाड़ी के रिगार्डिंग। फिर भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं हीरो एक्सट्रीम 125 के रिगार्डिंग तो मिस्टर जयलाल अवेलेबल हैं कमेंट सेक्शन पे, आप बेफिक्र सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और जयलाल पटेल जी आपको हेल्प करेंगे, क्यों जयलाल जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ मैं हाँ एक चीज़ बताता हूँ, इसमें जो इसकी की है ना वो मुझे बेसिकली ऐसा पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें जो की है वही पुराने वाली होंडा हीरो की मिलती है जो ग्लैमर में भी आती थी और भी बाकी सारी गाड़ियों में आती थी, तो मुझे इसकी बेसिकली ऐसा की पसंद नहीं आई, इसमें की में थोड़ा बहुत चेंजेस किए जा सकते थे। हाँ, थोड़ा सा उसे प्रीमियम टच दिया जा सकता था। तो गाइस ये देखा आपने मिस्टर जलाल पटेल जी का ओनर्स ऑनर्स रिव्यू,
बेसिकली क्या होता है, कोई अगर पर्सन गाड़ी कंसीडर करता है तो वो उसकी बुराई नहीं कर सकता है ना, बुराई सुन सकता है, ये यहाँ पे कर रहे हैं वो चीज़, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है ये सारी इनके जो ओनर्स रिव्यू है और एक्सपीरियंस है इस बाइक का। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो दैट आप किसी भी तरह का ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कॉन्टेंट मिस ना करें। थैंक यू।